किसान घर वापसी होंगे। क्या माहौल है टिकरी बॉर्डर का, क्या चल रहा है वहां पर, आइए जानते हैं अपनी इस खास रिपोर्ट में। दिल्ली और हरियाणा के बीच सिंधु टिकरी बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों की आज घर वापसी हो रही है। तीन कृषि कानूनों के विरोध में 26 नवंबर 2020 को यानी अब से 380 दिन पहले किसानों ने दिल्ली कूच करने का ऐलान किया था, लेकिन आज 11 दिसंबर को किसानों का अपना लक्ष्य जीतकर वापसी का समय आ गया है। आज किसान विजयी होकर राजाओं महाराजाओं की तरह घर के लिए लौट रहे हैं। आज का दिन हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज किया जाएगा, क्योंकि आज हर किसान अपना सिर ऊंचा करके अपने घर सम्मान के साथ वापस जाएगा। घर लौट रहे किसानों के स्वागत के लिए कई जगह तैयारियां की गई हैं, किसानों के लिए रास्ते में लंगर भी लगाए गए हैं। आपको बता दें, एक बार फिर से सड़कों पर ट्रैक्टरों की लंबी कतारों की दृश्य देखने को मिलेगा। किसान मोर्चा भव्य नगर कीर्तन निकालते हुए श्री हरि मंदिर साहिब जाएगा और वहां किसान नेता वाहेगुरु का शुक्राना करेंगे। बताया जा रहा है टिकरी बॉर्डर से दो काफिले में किसान रवाना होंगे। ये दो रास्तों से एक जिंद की तरह पटियाला और दूसरा हांसीसार होते हुए बठिंडा जाएगा। बताया जा रहा है किसान लंबे काफिले के साथ नाचते गाते हुए पंजाब पहुंचेंगे। किसानों की घर वापसी को लेकर हरियाणा पुलिस ने अलर्ट जारी कर दिया है। पंजाब की तरफ जाने वाले हरियाणा के तमाम रास्तों पर सुरक्षा तैनात कर दी है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर पुलिस के जवानों की ड्यूटी लगाई गई है। आगे जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ न्यूज 19 पर। नमस्कार।